अपनी अपनी गैलरीज के अंदर, अपनी गाड़ियों में जिस तरह धुंध दबा के भागे, इस बात की कासी करती है कि इस अपोजिशन में हुकूमत को ललकारने का दमखम नहीं है। इन अपोजिशन के बाजुओं में वो ताकत ही नहीं है कि हुकूमत के बढ़ते हुए अवामी फलाह बहबूद के कदमों को रोक सके। इस हुकूमत के नज़रिए और बयानिए के अंदर इतनी सच्चाई ही नहीं है कि ये अवाम को अपनी तरफ तवज्जो उनकी मबजूल करवा सके और ये बावर करवा सके कि जिन्होंने इस अवाम को गिद बन के नस्ल दर नस्ल नोचा है वो अवाम के हमदर्द कहला सके। तो लिहाजा जब से ये बजट पास हुआ है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुरदार की तरफ अपोजिशन ने जो है वो तेज दोधारी तलवारें जो हैं उनको मीडिया की स्क्रीनों पे चलाना शुरू कर दिया। कुछ जबान दराज कनीज़ें जो हैं दिहाड़ी अपनी पक्की करने के लिए उन स्क्रीनों पे झूठा बेबुनियाद और हकाय के बरक्स प्रोपगंडा करने में मसरूफ़ अमल है। उस्मान मुजदार का सिर्फ जुर्म इतना है कि वो इमरान खान का एक पक्का सच्चा सिपाही बन के इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ डट के खड़ा है और इमरान खान साहब की जो करप्ट माफिया के खिलाफ जद्दोजहद है उसमें एक सिपाही की हैसियत से उस मोर्चे पे जिस पे इन्होंने हमेशा